पीटाड़ के मधुबन ग्राउंड में बुधवार को तिलका मांझी आमंत्रित फुटबॉल मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने फीता काट कर किया, जिसके इन्होंने सभी खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए हाथ मिलाया। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में गिरिडीह जिला के अलावे पड़ोस जिले के खिलाड़ी भी शामिल हुए हैं। इस दौरान खिलाड़ियों के हौसले अफजाई के लिए विधायक श्री सोनू ने कहा कि इस मैदान में आप सभी खिलाड़ी बेहतर से बेहतर खेल प्रदर्शन करें और फुटबॉल के में नाम रोशन करें। अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तिलका मांझी क्लब धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नाम पर एक फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करें, जिसमें सिर्फ पीटाड़ इलाकों के खिलाड़ी शामिल हो और इस क्षेत्र का नाम रोशन करे। मौके पर स्थानीय प्रमुख के अलावे दिलीप रजक, बिरजू मरांडी, हरी बैजनाथ समेत पीटाड़ के काफी संख्या में झामुमो के लोग उपस्थित थे। खेल प्रेमियों का फोन भी उनको आता रहा कि कुछ टीमों को यहाँ पर भाग लेने का मौका नहीं मिला। मैं आयोजन समिति के साथियों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि एक महीने के भीतर जिस तरीके से तिलका बाबा तिलका मांझी आमंत्रण क्लब का आपने आयोजन किया है, उसी तरीके से हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े नेता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो आमंत्रण टूर्नामेंट का आयोजन आप करें, जिसमें सिर्फ पीटाड़ की टीमों को ही भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए, जिससे कि पीटाड़ के तमाम खेलने वाली टीमों को एक उचित प्लेटफॉर्म मिले और उससे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की बनी हुई टीमों को अगले साल बाबा तिलका मांझी आमंत्रण में हम लोग शामिल करें, जिससे कि पीटाड़ का भी बेहतर प्रतिनिधित्व हो पाए। जो खेल प्रतिभा हमारे पीटाड़ के सुदूरवर्ती गांवों में है, उनको भी अपनी प्रतिभा को यहाँ दिखाने और निखारने का मौका लगे। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि हमारे आयोजन समिति के सदस्य इस महत्वपूर्ण दायित्व को जरूर से लेंगे और इस महत्वपूर्ण दायित्व को निभाते हुए एक महीने के अंदर में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और पीटाड़ प्रखंड स्तरीय 32 टीमों का एक बेहतरीन कार्यक्रम यहां पर हो और लोगों को अपने खेल दिखाने का और अपनी प्रतिभा को निखारने का बेहतर अवसर मिले।